हाँ जी, बिग बॉस के घर की जब बात होती है तो बाहर जो उनके फैंडम्स होते हैं काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं अपने फेवरेट कॉन्टेस्टेंट को और मेक श्योर करते हैं कि उनके फेवरेट ट्रेंडिंग में रहे, हमेशा चर्चा में रहे, ताकि लोग जो है उन्हें और देख पाए और जान पाए उनके बारे में, जितनी इन्फॉर्मेशन या जो जो उनके लिए फील करते हैं वो पोस्ट करते रहते हैं, ताकि यू नो उन्हें वोट्स मिलने में आसानी हो और शो डेफिनेटली वो जीत सके। तो वेल, एक ऐसे खिलाड़ी है जो फिलहाल ट्रेंडिंग में है ट्विटर पे और घर में उन्हें माना जा रहा है कि अभी तक अगर कोई टॉप टू में देख रहा है तो एक नाम डेफिनेटली उनका है और वो है करण कुंद्रा। तो बताती हूँ आपको क्या है सारी खबर। देख रहे हैं आप फीफा फूस, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट उसके दांगी करके। वेल, करण का ट्रेंड फिलहाल चल रहा है ट्विटर पे एंड ही इज ट्रेंडिंग इन इंडिया विद 1.23 मिलियन ट्वीट्स। तो क्या आप भी इसका पार्ट है, क्या आप भी सपोर्ट कर रहे हैं करण के इस ट्रेंड को? तो नीचे आप जरूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं क्या है आपका कहना, क्यों है करण आपका फेवरेट, ये भी आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ एक स्टोरी है जो इंस्टाग्राम पे करण के एक फैन ने पोस्ट करी थी, जिसे अभी रिपोस्ट जो है वो करण कुंद्रा ने किया है। तो वो ट्वीट स्टोरी ऐसे प्रकार लिखती है कि द विनर फॉर दिस ईयर इज द वन हु डिजर्व्स टू टेक द टाइटल। नॉट ओनली डज ही आस्क व्हाई आई से दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज दैट डिस्टिंग्विश हिम एंड मेक हिम द विनर। तो इस साल का जो विनर है, जो डिजर्विंग विनर है, उनमें वो सारे क्वालिटीज़ है बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए। थोड़ा उनका इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ है तो मैं एक्चुअली समझ पा रही हूँ वो क्या कह रहे हैं, तो मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताती हूँ, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि इस साल के जो विनर है वो डिज़र्व करते हैं जो ट्रॉफी घर ले जाना, वो कोई और नहीं बल्कि करण कुंद्रा है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे क्वालिटीज़ है जो उन्हें बाकी लोगों से डिस्टिंग्विश करते हैं और बताते हैं कि यही है बिग बॉस के असली विनर। तो पॉइंट नंबर वन होता है कि ही इज द बेस्ट एवर, डज ऑल हिज ड्यूटीज टुवर्ड्स एवरीवन नो मैटर व्हाट द डिफरेंस। ये हमने देखा है कि कुछ भी हो जाए वो अपनी ड्यूटीज जो है ड्यूटी से पीछे नहीं मुकरते। इनफैक्ट उनको जो भी काम दिया जाता है चुपचाप कर लेते हैं यार बेचारे। टॉयलेट टास्क जब से आए हैं तब से बाथरूम ही किए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा साफ, एंड ये कहते भी है कि उनसे बेस्ट बाथरूम साफ कोई करता भी नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं बोलते यार मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, इतने सालों से इंडस्ट्री में हूँ, या वो नहीं। चुपचाप अपना अपना जो काम, जो जो उन्हें काम दिया जाता है चुपचाप वो काम कर लेते हैं। ही डज ऑल द वर्क विदाउट कंप्लेनिंग। कुछ भी काम हो कुछ भी शिकायत नहीं करते हैं, दैट इज ट्रू, ही डजंट कंप्लेन एंड जो काम दिया जाता है वो करते हैं। इनफैक्ट घर को इकट्ठा लेके चलना चाहते हैं, भले वो बात अलग है कि वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, बट ही डेफिनेटली वॉन्ट्स पीपल टू कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। तो ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, इट्स ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड प्योर एंड डज नॉट लाई एंड डज नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स एट होम। वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ही प्योर है, झूठ नहीं बोलते और प्रॉब्लम्स घर पे क्रिएट नहीं करते ज़्यादातर। यस, 99% अगेन एग्री विद दिस पॉइंट, लेकिन कल जो वाक्य हुआ था प्रतीक के साथ अप्रिशिएटेड नहीं है बिल्कुल भी, ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी किसी के मॉम को इन्वॉल्व करना। सो एक्सेप्ट फॉर दैट थिंग आई डू अग्री कि यस ऐसा है कि वो एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते, बहुत अच्छे से ऑनेस्टली और प्योर इंटेंशन के साथ ही है वो, वैसे ही खेल खेलते आए हैं। ही टेक्स ऑल हिज स्टैंड्स एवरी टाइम नो मैटर व्हाट इट कॉस्ट हिम। यस, कल उन्होंने जिस तरह से तेजा के लिए स्टैंड लिया, ही न्यू इट कि उसकी बैश होने वाली है, क्योंकि आप किसी के माँ को मेंशन कर रहे हो, लेकिन अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए तेजा के लिए स्टैंड लेने के लिए भी उन्होंने जो बोला वो बोला। अभी ऑब्वियसली वो गलत था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में या अपनी इमेज के बारे में बिना सोचे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए स्टैंड लिया। सो वो चीज़ भी बहुत लोगों को पसंद आई है, बहुत फैंस को पसंद आई है, और वो हमेशा अपनों के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दिए हैं। मतलब कितना भी तेजा बोले कि तू मेरे लिए कुछ नहीं करता कुछ नहीं करता कुछ नहीं करता, सब लोग मुझे हराना चाहते हैं, बट वी हैव सीन कि एक्चुअली करण इंडिविजुअली जाकर सबसे बात करता है। तेजा को टिकट तो फिलाने मिले, इसके लिए बहुत योगदान रहा है करण का भी, एंड वी कैनॉट डिनाई दैट, एंड ऑल्सो दैट ही लव्स सिंसियरली विदाउट डिसेप्शन एंड फॉरगिव्स हिज फ्रेंड्स नो मैटर व्हाट दे डू टू हिम। वो अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता है, कुछ भी गलती कर देते हैं तो उन्हें माफ़ कर देता है, और सबसे सिंसियरली प्यार करता है, उनमें कोई डिसेप्शन नहीं, कोई झूठ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, ये भी वी कैन एग्री। साइकिल टास्क जब हो रहा था प्रतीक और तेजा का, वहाँ पे देवोलीना वाज कम्प्लीटली अगेंस्ट तेजा, लेकिन वो जब बैठी थी वो गिर गई थी, तो करण वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली वेंट रनिंग टू हर कि तू ठीक है ना पूछने के लिए। एंड निशांत हो, प्रतीक हो, झगड़ा या जो भी कुछ भी होता है वो सॉर्ट भी कर लेते हैं, वो माफ़ी भी मांगते हैं जहाँ जहाँ वो गलत है। इनफैक्ट उनका जो एक एक्शन है बहुत अप्रिशिएट किया जाता है,
कि प्रतीक ने तेजा को हराने के बाद जब वीआईपी रूम में एंट्री ली तभी करण ने उन्हें एक चॉकलेट कुकी देके वेलकम किया। तो गाइज आपको है क्या कहना, नीचे जल्दी से जल्दी कमेंट करके हमें बताइए, और कितना करते हो आप करण से प्यार, है वो डिजर्विंग आपकी नज़र में जीतने ये ट्रॉफी के, या आपकी नज़र में कोई और है जो ट्रॉफी जीत सकता है बिग बॉस की, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बाय।